हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और नई रेसिपी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ खट्टी मीठी चटपटी बनारस की बहुत ही फेमस टमाटर चाट की रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे। अब इसमें एक चम्मच हम जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे बारीक चॉप किया है, और साथ में चार कटी हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च आप यहाँ पर कम डालिए। एक मिनट के लिए चलाते हुए इसे हम भून लेते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच यहाँ हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसे हमने सिर्फ कलर के लिए डाला है। जब आप कश्मीरी लाल मिर्च डालें तो गैस की फ्लेम आप लो कर दीजिएगा, जिससे लाल मिर्च जले नहीं। ये चार टमाटर हैं जिन्हें हमने बारीक चॉप किया है, इसको भी हम डाल देते हैं। चाट के लिए आप टमाटर बिल्कुल लाल लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हम। अब इसमें नमक डालेंगे। आधा चम्मच यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है, जिससे टमाटर हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच यहाँ पर हमने चाट मसाला डाल दिया है। अच्छे से टमाटर में मसालों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम ढक देंगे, या तब तक ढक दीजिए जब तक कि टमाटर हमारा पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। ये दो उबले हुए आलू हैं, हाथों से ही इसे हमने मैश कर लिया था। इसको भी हम टमाटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू के पीस थोड़े बड़े हों तो स्पैचुला से आप दबाते हुए इसे मैश कर लीजिए, पर ज़्यादा मैश इसको हम नहीं करेंगे। टमाटर चाट में आलू के जो छोटे छोटे पीस आएंगे, उससे चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। साथ में इसमें हमने 1/3 कप पानी डाल दिया है, जिससे टमाटर और आलू आपस में अच्छे से मैश हो जाएं। 5 से 7 मिनट इसे हम ढककर पका लेते हैं। तब तक हम इसे एक चटनी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 कप पानी भगोने में लिया है। 1/4 कप हम चीनी डालेंगे। चीनी को पानी में तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, और साथ में इसमें हमने 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं। और ये लीजिए, एक खट्टी मीठी और चटपटी चटनी तैयार हो गई। और इधर चाट भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा इसे हम सुखाएंगे नहीं। अब इसमें ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक, और साथ में 1 चम्मच यहाँ पर हमने नींबू डाल दिया है। अच्छे से चाट में सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए, हमारी चटपटी चाट बनकर तैयार हो गई। अब चाट को हम एक दोने में सर्व करेंगे। ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी चाट लग रही है। इसे हमने दोने में देखिए सर्व कर लिया है। अब एक जो तीखा चटपटा सा हमने पानी बनाया था, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। ऊपर से आलू भुजिया हमने इसमें डाल दी है, जो कि चाट को क्रंची बनाएगी। और लीजिए, हमारी चटपटी खट्टी मीठी टमाटर की चाट बनकर बिल्कुल तैयार है।
गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए कितना बढ़िया चाट का टेक्सचर है। और यदि आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।